तो हेलो गाइस, अभी जो हम लोग स्क्रीन पे वीडियो देखे, स्टेटस वीडियो देखे, चलिए हम लोग ये वाला स्टेटस वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो एडिटिंग करने के लिए हम लोग चाहे VN ऐप ऐप, तो चलिए हम लोग VN ऐप को इस तरह से ओपन करते हैं। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नीचे प्लस वाला आइकन पे कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे, फिर से ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ चले जाएंगे फोटो वाला ऑप्शन। ठीक है, फोटो वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग जो भी फोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं वाला फोटो सिलेक्ट करूँगा, फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ओरिजिनल साइज है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रख कर लेंगे 9:16 रेशियो है। इसको करने के बाद कुछ इस तरह से हम नीचे इस तरह से स्क्रॉल करते हुए लास्ट में आएंगे तो ये क्या है, वाटर मार्क है। तो हम नीचे डिलीट वाला ऑप्शन पे कुछ इस तरह डिलीट करेंगे वाटर मार्क को। हम लोग इस तरह से फोटो को कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे साइज को। ठीक है, कुछ इस तरह से 8-9 सेकंड का मैं स्टेटस बना लूंगा। तो चलिए हम कुछ इस तरह से 9 सेकंड कर लिया। 9 सेकंड लेयर रखने के बाद हम लोग चलेंगे कुछ इस तरह से फर्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर जो बलर वाला ऑप्शन है, सिंपली बलर वाला ऑप्शन को कुछ इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आएगा तो यहाँ पे आप लोग का नीचे दिख जाएगा बलर का ऑप्शन। तो सिंपली बलर वाला ऑप्शन कुछ इस क्लिक करेंगे, बेसिक बलर को उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे और कुछ तरह से हल्का बढ़ा लेंगे हम लोग। ठीक, कुछ इस तरह से इतना करने के बाद ऊपर कट का ऑप्शन कट कर लिया। कट करने के बाद देखिए ऊपर से जो तीसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर से जो तीसरा वाला ऑप्शन है लिखा हुआ है टैप टू एड स्टिकर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दो ऑप्शन फिर वीडियो एंड फोटो एंड स्टिकर। तो हम लोग सिंपली वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन कुछ क्लिक करेंगे, यहाँ चलेंगे फोटो वाला ऑप्शन में, यहाँ से ले लेंगे ए वाला। ठीक है, और जो भी मैं जो मटेरियल यूज करूंगा सारे मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं, वहां से साइंस से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ तरह से नीचे स्क्रॉल करते हुए इसको कर लेंगे फुल स्क्रीन, यानी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद फुल स्क्रीन हो जाएगा, इसका भी लेयर हम लोग कर लेंगे, मेरा फोटो जितना उतना इसका भी लेयर रख लूंगा कुछ इस तरह से। ओके, तो रखने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह से फर्स्ट में आएंगे, फिर से ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से चलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑप्शन में, फिर से मैं यहाँ से अवेलेबल को म्यूजिक वाला। ठीक है, म्यूजिक वाला लेने के बाद कुछ इस तरह से हमको कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से इतना, और कुछ इस तरह से इतना रख लेंगे नीचे। ठीक है, इतना पे हल्का और इस हल्का नीचे इतना पे। ठीक है, इतना पे रखने में कुछ जैसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा ब्लीडिंग, तो सिंपली ब्लीडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन। ओके, स्क्रीन करने के बाद कुछ जैसे डन कर लेंगे। ओके, और डन करने के बाद कुछ जैसे इसका भी लेयर हम लोग बढ़ा लेंगे जितना मेरे फोटो का लेयर है कुछ इस तरह से। ओके, और कुछ इस तरह से करने के बाद फिर से मैं ऊपर से जो तीसरा वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से चलेंगे वीडियो एंड फोटो में, फिर से मैं चलूंगा वीडियो में। ठीक है, वीडियो में जाने के बाद मैं यहाँ से ले लूंगा ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, मैं जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ सारे मटेरियल का लिंक मैं डाल दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से साइंस डाउनलोड कर लिया। करने के बाद इसको लगाने का कुछ इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा फिल का, सिंपली इसको कर लेंगे फिल स्क्रीन। ठीक है, फिल स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कुछ इस तरह स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा क्रोमा का, तो सिंपली क्रोमा वाला ऑप्शन पे कुछ इस तरह क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे ग्रीन पे। ठीक है, तो इस आसानी से हट जाएगा। ठीक, ग्रीन वाला, और इसको हल्का हम लोग बढ़ा लेंगे, क्रिएज कर लेंगे हल्का। ठीक है, ज्यादा नहीं, तो चलिए इसको 30% ही रहने दीजिएगा, 30% रहने देने के बाद कुछ इस तरह डन कर लेंगे। ओके, डन करने के बाद देखिए इसका काम, इसका भी लेयर हम लोग रख लेंगे उसी तरह, इसका तो लेयर बना हुआ है इतना। ठीक है, यानी पूरा वीडियो का लेयर जितना है इसका लेयर। तो चलिए अब क्या करना है, फिर से ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर से वीडियो एंड फोटो में। ठीक है, फिर से वीडियो एंड फोटो में जाने का हम लोग ये वाला फिर से टेम्पलेट लगा लूंगा। टेम्पलेट लगाने के बाद फिर से कुछ स्क्रॉल करते आएंगे, यहाँ से फिल कर लूंगा। फिल करने का कुछ इधर से फिर से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से चलेंगे ब्लीडिंग वाला ऑप्शन में, फिर से कर लूंगा इसके स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद फिर से डन करूंगा। डन करने के बाद इसका अब काम हो गया। ठीक है, अब क्या काम करना है, ये वीडियो को सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन, शेयर वाला ऑप्शन पे कुछ इधर से क्लिक कीजिएगा, फिर से यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को सेव होने देते, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए वीडियो सेव हो गया, सेव होने के बाद ऊपर डन कीजिएगा। ठीक है, डन करने फिर से चले जाइएगा प्लस वाला आइकन में, प्लस वाला आइकन में जाने का, फिर से चलेगा न्यू प्लेगम जाने का, फिर से यहाँ से क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ले जाएगा वही फोटो जो फोटो पे हम लोग स्टेटस बना रहे थे। ठीक है, तो मैं फिर से वही फोटो सिलेक्ट करता हूँ, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर से इसको कर लूंगा 9:16 से। ठीक है, ऊपर और इधर पे क्लिक करके और फिर से लास्ट में आके वाटर मार्क को डिलीट करूंगा, फिर से इसका कर लूंगा 9 सेकंड। ठीक है, 9 सेकंड जितना मेरा उसका बनाया था, तो 9 सेकंड कर लिया। 9 सेकंड करने का फिर से मैं फर्स्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट में आने के बाद फिर से मैं ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से चलूंगा वीडियो एंड फोटो, वीडियो एंड फोटो में जाने के बाद मैं यहाँ से चलूंगा वीडियो, वीडियो में जाने के बाद अभी जो हम लोग वीडियो एक्सपोर्ट किए थे वो वाला वीडियो हम लोग ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैं ये वीडियो पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही वीडियो पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो फिर से मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए आऊंगा, यहाँ से कर लूंगा फिल। ठीक है, तो चलिए मैं कर लूँगा फिल। फिल करने के बाद क्या काम करना है, जो ब्लू वाला है ब्लू वाला को हम लोग
हटाएंगे, यानी कि यहाँ से चलेंगे नीचे से इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ से क्रोमा की वाला ऑप्शन पे जाएंगे और इसको गोल वाला को पकड़ के ले आएंगे ब्लू वाला पे, और कुछ इस तरह से हल्का इसको इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसे 36 कर लिया हूँ, 36% कर लिया हूँ, फिर से डन कर लूंगा। डन करने के बाद देखिए आप लोगों का फोटो अगर एडजस्ट नहीं हो रहा, मेरा तो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या काम करूंगा, फिर से फोटो पे क्लिक करूंगा नीचे और कुछ इस तरह से इसको फोटो पे क्लिक करके कुछ इस तरह से मैं इतना रखूंगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग रखिए, चलिए तो मैं इतना रख लेता हूँ। ठीक है, इतना रखने के बाद देखिए कुछ इस तरह से वीडियो बनकर रेडी हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या बोलता है, फोटो ज्यादा लग रहा है तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, फोटो कुछ इस तरह से कम कर लेंगे, फोटो यानी ज्यादा हो रहा था वीडियो अकॉर्डिंग। तो चलिए क्या करना, फिर से मैं फर्स्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट में आने के बाद हम वीडियो तो बन के रेडी ऑफिस हो गया, चलिए अब हम लोग इस वीडियो में साउंड ऐड करेंगे। साउंड ऐड करेंगे फिर से मैं फर्स्ट में आऊंगा। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन है ना, तो सिंपली हम लोग तीसरा वाला ऑप्शन फिर से टच करेंगे, फिर से वीडियो एंड फोटो में, वीडियो एंड फोटो में जाने के बाद चलिए मैं यहाँ से सॉन्ग ले लेता हूँ, सॉन्ग को ऐड करूंगा। सॉन्ग को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन देगा ब्लेडिंग का, ब्लेडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इसको कर लिया स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह डन करिए, डन करने के बाद कुछ इस तरह से हम नीचे कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे, सॉन्ग का हल्का जूम करके इतना पे। ठीक है, यहाँ पे रख लूंगा मैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरह से रखने के बाद अब ये वीडियो फाइनली बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग एक बार ये वीडियो दिखा देता हूँ कैसा दिखता है जब। हाँ, तो चलिए कुछ इस तरह से वीडियो दिखेगा, तो चलिए ये वीडियो सेव करता हूँ। तो वीडियो सेव करने के लिए ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है, सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।